सो हे गाइस, अगर आपने भी लैपटॉप परचेज किया है, आप पहले से भी लैपटॉप को यूज करते हो, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि लैपटॉप में जब हम विंडो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है हमारे लैपटॉप के अंदर क्यों दिया रहता है एंड इसके अंदर कितने सेटिंग्स होते हैं एंड कौन कौन सी चीजें होती है, सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो इस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाला है, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड जानते हैं कि लैपटॉप के अंदर सेटिंग्स का सेटिंग्स क्यों दिया रहता है। सो आपको अपने लैपटॉप के सेटिंग्स को ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे विंडो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे करके आप सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आपका प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, इसके बाद आपको बगल में लाइक यहाँ पे आपको ड्राइव देखने को मिल जाएगा, उसके बाद विंडो अपडेट एंड यहाँ पे वेब ब्राउजिंग देखने को मिल जाएगा। सो नीचे में आपको सिस्टम, डिवाइस, फोन, नेटवर्क, इंटरनेट, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन एंड एप्स, अकाउंट्स एंड बहुत सारे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का। तो सबसे पहले हम सिस्टम वाले ऑप्शन को लाइक एनालाइज करते हैं, इसके सेटिंग्स को समझते हैं। जैसे आप सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का, जिसके अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट में आप ब्राइटनेस कलर को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, अपने स्क्रीन के ब्राइटनेस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिलता है विंडो HD कलर, जो कि यहाँ पे आप नीचे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कलर सेटिंग्स के अंदर जाके। यहाँ पे स्केल एंड लेआउट जो है आपको मिल जाता है, जिसको कि आप जो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं एंड डिस्प्ले का यहाँ पे लैंडस्केप भी चेंज कर सकते हैं कि आप किस लाइक लैंडस्केप में अपने लाइक डिस्प्ले को रखना चाहते हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट हो गया, यहाँ पे पोर्ट्रेट फिटेड हो गया और बहुत सारे अपडेट हो गया और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। इसके नीचे वाले सेटिंग्स पे आए हम साउंड्स पे, तो साउंड पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अपने साउंड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वो तो एक अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे आप नीचे एक सेकंड हम इसको ऑफ करते हैं फिलहाल के लिए एंड नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इनपुट का ऑप्शन मिलता है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके अगर आपने दूसरा इनपुट दिया है तो उसको आप जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज साउंड टू डिवाइस पे क्लिक करके आप जो है अपने साउंड को मैनेज भी कर सकते हैं। आपको अगर हेडफोन कभी कभी काम नहीं करता है तो उसको भी यहाँ से इजिली सॉल्व। नीचे आते हैं नोटिफिकेशन एंड एक्शंस में, तो नोटिफिकेशन में क्या होता है कि कई बार बहुत सारे नोटिफिकेशन होते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो सिंपली आप यहाँ से नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं एंड यहाँ पे चाहो तो इनेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आपको किस चीज का नोटिफिकेशन चाहिए एंड किस चीज का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, तो वो यहाँ से निचली इजिली आप नीचे में एप्स को आके कर सकते हैं एप्स के अंदर कि किस एप का आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा एंड किसका नहीं चाहिए होगा। तो इसके अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे फोकस असिस्टेंट असिस्ट का ऑप्शन दिखता है आपको। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से फोकस असिस्ट, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको लाइक प्ले कर रहे हो, जब आप अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो, तो एक टाइमिंग होता है जैसे कि स्नोज वाला, तो उस तरीके का कुछ ये है। तो आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बिकॉज मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है। एंड पावर एंड स्लिप्स की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना कि कई बार हम अपने स्क्रीन को ऐसे छोड़ देते हो तो हमारा स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, हमारा स्क्रीन अपने ऑफ हो जाता है। तो आप चाहो तो उसके लिए यहाँ पे टाइमर को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा टाइमर है, जैसे कि 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटा एंड बहुत सारा टाइमर है, तो आप चाहो तो उसको यहाँ से इजिली इंक्रीज कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे स्लिप्स में भी आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है वैसे ही, तो आप उसको इजिली इंक्रीज कर सकते हो, मिनट्स या फिर घंटे में रख सकते हो, आपका लैपटॉप कभी भी ऑफ नहीं होगा। एंड कई बार क्या होता है कि लैपटॉप्स ऑफ हो जाते हैं इसी वजह से, तो आप चाहो तो यहाँ से इजिली ऐड कर सकते हो। तो बात करें बैटरी में, आप नीचे यहाँ आएंगे तो हमें बैटरी का ऑप्शन मिलता है एंड बैटरी के अंदर आप यहाँ पे चल पाओगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो गया। जैसे आप बैटरी के अंदर आओगे तो यहाँ पे अपने बैटरी का परसेंटेज को चेक कर सकते हो, बैटरी सेवर को चाहो तो आप इनेबल कर सकते हो एंड बैटरी सेवर को इनेबल करने से ब्राइटनेस डाउन हो जाता है एंड और भी बहुत सारी चीजें होती है। एंड यहाँ पे टर्न बैटरी सेवर ऑन ऑटोमेटिकली एट इतना पे 20% पे, तो ये हर किसी में होता है। आप चाहो तो इसे सेट भी कर सकते हो कितना परसेंट पे आप रखना चाहते हो। ऑलवेज पे क्लिक कर दोगे तो ऑलवेज आपका बैटरी सेवर ऑन रहेगा एंड यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ से क्या करते हैं 20% पे रहते हैं, बिकॉज 20% इज द बेस्ट। एंड यहाँ पे आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा एप्लीकेशन आपका सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है एंड उसको यहाँ पे इजिली चेंज भी कर सकते हो। एंड लास्ट 24 आवर है, तो यहाँ पे लास्ट 1 वीक भी करके चेक कर, यहाँ पे लोडिंग हुआ लेकिन थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। अब नीचे आते हैं आप स्टोरेज के अंदर, तो यहाँ पे आप अपने लैपटॉप के स्पेक्स को चेक कर सकते हो कि आपके लैपटॉप के अंदर कितना स्टोरेज दिया गया एंड कहाँ जो है आपका स्टोरेज बेस्ट हुआ है। सो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि किस किस एप्लीकेशन ने आपका कितना स्टोरेज ले रखा है, कितने फोटोज हैं, कितने पिक्चर्स हैं, वो सभी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे इनको क्लियर भी कर सकते हो, डिलीट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे व्यू स्टोरेज यूजर्स एंड अनदर ड्राइवर्स में यहाँ पे बहुत सारे नीचे में आपको 5 ऑप्शन मिल जाएंगे, इनको इजिली आप चेक करके ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे बात करें टैबलेट की, तो टैबलेट के अंदर आता है, इसमें आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलते हैं, तो ये हमारे यूज के नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद मल्टी टास्किंग में आकर आप जो यहाँ पे स्नैप विंडोज पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे कुछ इन्हें ऑफ भी कर सकते हो एंड चाहो तो आप लाइक इनेबल भी कर सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे वर्चुअल डेस्कटॉप की बात करें तो आपको थोड़ा सा नीचे आना एंड वर्चुअल डेस्कटॉप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको कि आप चाहो सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन अभी तो मुझे कोई उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़े वर्चुअल डेस्कटॉप का, तो मैं उतना ज्यादा यूज नहीं कर। अगर आपको यूज हो वर्चुअल डेस्कटॉप का तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्ट दिस पीसी पे, यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आपको आर्टिकल्स लिखे हुए मिल जाएंगे, तो ऑप्शनल फीचर्स पर जाके आप जो कुछ इसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे रीनेम योर पीसी, तो यहाँ पे रीनेम पीसी पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये एक खास चीज मेरे को लगा इसमें कि आप इस पे आओ एंड यहाँ से जो अपने पीसी का नाम चेंज कर सकते हो कि आपके पीसी का नाम क्या रखना चाहते हो। तो अभी फिलहाल में तो मेरा नाम पीसी का ये है, तो मैं रखना कुछ चाहूंगा, तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसलिए यहाँ पे नेम लिख के आप जो अपने पीसी का नाम चेंज कर सकते हो। इसके नीचे हम अगर आए यहाँ पे
शेयर एंड एक्सपीरियंस पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे अकाउंट्स में क्या है कि शेयर एंड एक्सपीरियंस यूज ऑल सिस्टम अकाउंट्स ऑथराइज्ड अकॉर्ड्स डिवाइस, तो यहाँ पे सेम योर अकाउंट रिक्वायरमेंट एंड टर्म्स। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको अकाउंट अपना ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो यहाँ से शेयर वगैरह कर सकते हो। एंड एवरी शेयर जो भी आप यूज करते हो इजिली, आप बोलते हैं ना किसी फोन से आप कुछ डाल ले रहे हो तो उसको इजिली यहाँ से यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब अकाउंट वगैरह ऐड करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिए। आज हमारा जो है फाइन एक सेटिंग कंप्लीट हो गया सिस्टम वाला हमारे लैपटॉप के अंदर का, तो सिस्टम वाले को तो हमने पूरा समझ लिया है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। तो आगे इन सभी पे एक एक लाइक आपको मतलब फुल बेस्ट वीडियो आएगा, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इसी चैनल पर सभी वीडियो आएंगे। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि वीडियो आप सभी को काफी सही लगा, देन वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, लव यू मेरे भाई लोग।